अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करते हैं आपको आज की न्यू वीडियो में। सैफ अहमद साल और आप देख रहे हैं स्कोप पाकिस्तान। या नाज़रीन, बाइकों की सीरीज जिस तरह चल रही है, हमने आपको 70 दिखा दी, 125 के रेट्स बता दिए। इसके अलावा कराची में इलेक्ट्रिक बाइक भी आपको दिखा दी, क्वालिटी बता दी, क्या रेट चल रहे हैं वो बता दिए। आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिस वीडियो में, वो है कराची की खवातीनों के लिए, स्पेशली तौर पर लेडीज स्कूटीज क्या रेट चल रहे हैं, कहाँ मिलेगी, स्पेशलिटी क्या है और इसकी खासियत क्या है, कितना फ़ायदा कराची की खवातीन को इस बाइक के ज़रिए से मिल जाएगा। आइए चल के जानते हैं और इनके रेट्स मालूम करते हैं। लेडीज स्कूटी की बहुत बड़ी वैरायटी है। अब बहुत सारे मॉडल्स उसको लॉन्च कर चुके हैं, बहुत सारी कंपनीज उसको लॉन्च कर चुकी हैं। बजाते खुद हम लेडीज स्कूटर के इंपोर्टर हैं। तकरीबन 4 to 5 डिफरेंट मॉडल्स हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, जो कि स्कूटीज के अंदर आते हैं। करंटली इंपोर्ट आपको पता होगा LCs के प्रॉब्लम की वजह से बंद है, तो इंपोर्टेड प्रोडक्ट इतना ज़्यादा मार्केट में नहीं आ रहा है। हमारे पास इस वक्त सुपर पावर की स्कूटी खड़ी हुई है, जो 4-स्ट्रोक इंजन में है, कि गियर इंजन है, क्लचलेस होती है। उसमें फ़ायदा ये है कि क्लच नहीं है, जिसकी वजह से लेडीज़ के लिए उसको कंट्रोल करना ईजी हो जाता है। सेकेंडली उसके अंदर चूंकि 4-स्ट्रोक इंजन लगा हुआ है, पाकिस्तानी उस इंजन का सामान हर जगह आपको मिल जाता है, हेड सिलेंडर पिस्टन वगैरह वो सब कुछ एक ही 70 वाला होता है। एक दो आइटम्स को छोड़ के, जैसे कि क्लच बॉक्स है उसमें डिफ्रेंसिएशन है, गियर बॉक्स है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, गियर शाफ्ट का फ़र्क है, बाकी ओवरऑल उसका सारा सामान इंजन का पाकिस्तान के अंदर ही अवेलेबल हो जाता है। तो दूसरी स्कूटर्स आती हैं जो कि हम इम्पोर्ट करते हैं, उसका भी हम सारा सामान लगा के रखते हैं, मंगा के रखते हैं। उसके अंदर डिफरेंट मॉडल्स हैं। अभी करंटली हमारे पास ज़्यादा मॉडल्स की डिस्प्ले तो नहीं है, एक मॉडल का डिस्प्ले जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये जो स्कूटी है ये 4-स्ट्रोक इंजन के अंदर है, किक भी है इसके अंदर और सेल्फ भी है। और सेकंड जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, ये कम्प्लीटली ऑटोमेटिक है और बेल्ट इंजन पर ऑपरेट होती है। ना इसमें कोई आपको गियर शिफ्टिंग है, ना कोई क्लच है, दोनों ब्रेक्स इसके हाथ के ऊपर हैं। फ्रंट इसका डिस्क ब्रेक है और रेयर इसका ड्रम ब्रेक है। रेयर ड्रम ब्रेक है जिसमें ब्रेक 70 वाले लगते हैं, और फ्रंट जो डिस्क ब्रेक है उसके भी ब्रेक पैड्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। पार्ट्स की जहाँ तक बात की जाए तो A to Z 100% पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। कभी कभी शिपमेंट में कम पार्ट्स आने की वजह से, या उन पार्ट्स की चंद मखसूस पार्ट्स की डिमांड ज़्यादा आने की वजह से, हो सकता है कुछ पार्ट्स जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएँ, तो वो हमारी हर महीने 2 महीने में शिपमेंट्स होती आ जाते हैं। तो ये दोनों स्कूटीज हैं। इसके अलावा यूनाइटेड स्कूटी आती है, वो भी सेम पैटर्न के ऊपर चलती है, उसके अंदर भी जो है वो सेम स्पेसिफिकेशंस है। जो हम स्कूटीज मंगाते हैं वो ज़्यादातर 49cc होती हैं, जिसकी वजह से उनका फ्यूल एवरेज भी बेहतर होता है और उसकी प्राइसिंग भी कम होती है। करंटली अगर देखा जाए तो जैसे यूनाइटेड की स्कूटी है, वो मार्केट में 2.25 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की अवेलेबल है, वो भी जिसके पास स्टॉक हो, पुराना स्टॉक हो रखा हो, अवेलेबल है। हमारा जो स्कूटर है वो मार्केट में अभी जो लास्ट हमने सेल किया है, वो 1,75,000 to 1,80,000 की प्राइस रेंज के अंदर था, जिसका क्वालिटी जो है वो बिलखसूस तमाम अदर मॉडल से बेहतर है। 70 का जो डायनामिक है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। आज से 15 साल पहले जो 70 आती थी ना, वो कम्प्लीटली CBU यूनिट के अंदर आती थी, कम्प्लीट बिल्ड यूनिट आता था। वो पूरा चाइना से डब्बा पैक एक कार्टन आता था, उसको खोलते थे और लगा देते, उसमें बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अब करेंटली क्या होता है कि जो भी 70s बन रही हैं, वो सारी लोकलाइज पार्ट्स के ऊपर बन रही हैं। जैसे कि स्कूटीज आपको बताई मैंने, जो हम अपने मॉडल्स मंगाते हैं, यूनाइटेड मंगाता है, ये सुपर पावर की भी जो स्कूटी है, ये बेसिकली सारी इंपोर्टेड स्कूटीज हैं। ये CKD कंडीशन में कुछ आ जाती हैं, और जो हम मंगाते हैं वो CBU यूनिट आता है, जो कि डब्बा पैक आता है। कॉम्पैक्ट मॉडल्स के ऊपर ज़रा खवातीन का ज़्यादा रुझान है कि मॉडल थोड़ा सा छोटा हो, कॉम्पैक्ट हो और उसको उनको चलाने में आसानी हो। तीसरी चीज़ ये जो स्कूटी बिकने की मेन वजह है, वो यही है कि जी उसके अंदर गियर सिस्टम बेहतर होता है, ऑटोमेटिक होती है, और उसको एक्सेलरेट करके चलाया जाता है ताकि उसकी बैलेंसिंग के अंदर इशू ना आए और ब्रेक में एक्सेलेटर में उनको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। स्कूटी जो कि 125 चला रहे थे, 70 चला रहे थे, वो सब अब स्कूटी के ऊपर, ये पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है कि जी स्कूटी है तो वो लेडीज चलाएंगी और कोई नहीं चलाएगा। ओवरऑल द वर्ल्ड ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पूरी दुनिया में मर्द डिलीवरी भी स्कूटी के ऊपर करते हैं, इंडिया में भी स्कूटी चलती है और भी दुनिया के काफ़ी सारे मुल्कों में स्कूटीज चलती हैं। ओवरऑल अगर आप ब्रांड की बात करेंगे ना, तो अगर 100% स्कूटी की बात करेंगे तो वो सिर्फ एक यूनाइटेड देता है, या फिर हम CBU यूनिट के अंदर 5 से 6 मॉडल देते हैं। रोड प्रिंस ने अभी लॉन्च करी है, बट मसला ये है कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, नए इम्पोर्ट्स हो नहीं रहे, तो जो पाइपलाइन में है वो तो बहुत सारे ब्रांड्स की है, मगर ऑन मार्केट इस वक्त कुछ भी नहीं। रेट्स की जहाँ तक बात की जाए ना, आजकल मार्केट बहुत वॉलेटाइल है।
आप एक दिन रेट डिक्लेयर करते हैं, अगले दिन रेट का नया सर्कुलर खड़ा हुआ होता है। तो कंपनीज की जहाँ तक बात की जाए तो सुपर पावर की स्कूटी इस वक्त 1,35,000 रुपये की है, यूनाइटेड की स्कूटी देखी जाए तो वो 2.5 से 2.5 लाख रुपए के दरमियान है। जहाँ आप हमारी स्कूटी की बात कर रहे हैं तो हमने जो भी लास्ट स्टॉक लास्ट लॉट सेल करी है वो 1,75,000 से 1,80,000 की थी, जो यूनाइटेड से जो मैकेनिज्म है उसका टोटल यूनाइटेड वाला है, बेल्ट इंजन पे GY6 इंजन जिसको कहते हैं उसके ऊपर ड्राइव होती है। तो ये एक रेट कंपैरिजन है, सुपर पावर देती है वो कब मॉडल होता है तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा सस्ता है मार्केट में। We'll be right back.